मोहब्बत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ मैं, और ये जो भारत टूट रहा है इस भारत को जोड़ रहा हूँ मैं। अमेरिका ताला लगा रहे हैं, अमेरिका ताला लगा रहे हैं। नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। कौन बोलेगा जो मेरी बहन के कम से कम 50 टुकड़े करके कुकर में उबाले, काश उसकी जगह मेहताब होता तो गोदी मीडिया अब तक पूरे हिंदुस्तान को सर पे उठाए हुए होती। कार्रवाई कार्रवाई चल रही है, किसी पे कार्रवाई नहीं। अगर कार्रवाई होती तो बिरजभूषण सलाखों के कहेंगे। मैं कुछ नहीं कहूँ, जो इस समय हो रहा है ना, ये एक छलावा है, दिखावा है, करो और लड़ते रहो मरते रहो, ठीक है। हमारा प्रधानमंत्री अपना काम कर रहा है, करता रहेगा, करता जाएगा। एक चीज एक चीज, अगर बुंदेल सुने वही ओ भाई साहब वही बुंदेलखंड है, वही बुंदेलखंड जहाँ पे पानी नहीं मिलता था, वही बुंदेलखंड में बम बारूद बन रहे हैं, टैंक बन रहे हैं जो विदेशों में सप्लाई हो रहे हैं। वही रायबरेली है जहाँ से 4-5 कितनी बार जीती रायबरेली, पूरी सोनिया परिवार, राहुल परिवार, गांधी परिवार जीता, उस रायबरेली में कुछ नहीं हुआ। आज वही कोच फैक्ट्री चल रही है, ठीक है। क्या है, क्या हुआ पहले, क्यों नहीं किया? प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री देखिए सुनिए, प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं, कहते हैं अमित शाह जी 24 घंटे काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सुनिए, अरे साहब 24 घंटे तो सुनिए, मेरी बात सुनिए, 24 घंटे तो दीमक भी काम करती है। फर्क इतना है कि वो लकड़ी को चाट रही है और ये देश को। प्रधानमंत्री को देश में गड़बड़ करने वाली बात कर रहे हो तुम। बंगाल में फेंक देगा, बंगाल में जाओ करो बंगाल में जाओ। प्रधानमंत्री के दीमक है, प्रधानमंत्री के दीमक है, इन्होंने कहा प्रधानमंत्री दीमक का काम कर रहे हैं। देश में गड़बड़ करने वाली बात ये करते हैं, इनका सबका इलाज हो चुका है, इनका सबका इलाज हो चुका है। कि राजनीति तबाही बन गई, नेता नमक हराम हो गया और मेरे देश की भूखी प्यासी जनता का कपन तलक नीलाम हो गया। नेताजी क्या तब धर्म के काम कराए जाते हैं, वहाँ बूथों पर कब्जा करने के पाठ पढ़ाए जाते हैं, जहाँ के विधायक खुली तस्करी हेरोइन की करते हो और सांसद तबाइब के कोठे पर पकड़े जाते हो, क्या व्यवस्था बदलेगी? हम चलो राहुल आप क्या कहते हैं 2024 में किसकी सरकार आएगी? 2024 में 101% मोदी आएगा, मोदी हाँ आएगा। क्या कर दिया, क्योंकि ये इतने ही कुत्ते हैं ना। मतलब ये कुत्ते घूम रहे हैं रोड में, भाई साहब डिबेट इधर चल रही है, ये रोड में कुत्ते घूम रहे हैं ना, इन कुत्तों में सलाह होगी ना तो गंगा जी नहाएंगे, कुत्तों में सलाह तो है नहीं, तो इसीलिए ही मोदी आएगा। इनका बस ये एकता इकट्ठी हो नहीं सकती, एक ब्रांड बनेगा नहीं, एक ब्रांड नहीं बने, वही कहानी कुत्तों में सलाह गंगा नहाया है, कुत्तों में सलाह है नहीं मोदी। देखो ऐसा है, वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं, कपिल शर्मा की जगह लेना चाह रहे हूँ। अच्छा, कम से कम कॉमेडी तो कर लेंगे। अब पिछले जो गुजरात में इलेक्शन हुए थे, कांग्रेस ने जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वहाँ गिरा दी। 8 तारीख को उन्होंने उल्टी घड़ी लगा रखी थी अहमदाबाद में, सबको पता होगा, निकल गई उल्टी घड़ी। मैं तो मानता हूँ कई साल कांग्रेस तो रही नहीं पार्टी, मैं नहीं मानता कांग्रेस पार्टी रही है, इतिहास बन के रह गई। जो लोग कह रहे हैं बेरोजगारी है, महंगाई है, मोदी जी रोजगार नहीं दे रहे हैं, उन पे क्या कहोगे? भाई उनकी सैलरी भी तो बढ़ी है। अब जैसे एक बंदा मेरे को कल कह रहा था, भाई सिलेंडर इतने का हो गया, पहले वो 11,000 कमा रहा था, आज भी 11,000 ही कमा रहा है क्या 2 साल बाद भी? आप कितना कमा रहे हो? मैं कितना कमा रहा हूँ? मैं इतना कमा रहा हूँ जी, मेरी दाल रोटी बढ़िया चल रही है। 11 साल बाद आपकी इनकम बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बिल्कुल, उस टाइम 1800 के जूते पहनते थे, आज 18,000 के पहन रखे हैं। क्या बात, बिल्कुल। तो आगे कैसे देखते हैं देश की राजनीति को, जो विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी केवल जब देश को ठग रहे हैं, नफरत की दुकान चला रहे हैं और चाय वाले के नाम पे आए थे लेकिन चाय वाले का काम नहीं कर रहे हैं? ये बात है ना, मेरे हिसाब से जो कानों के कच्चे होते हैं ना उन्हें बतानी चाहिए। और जब तक मोदी जी हैं स्वस्थ, मतलब हेल्थ से, तो मोदी जी रहेंगे, उसके बाद योगी जी का डंडा चलेगा।
क्या कह रहे हैं कि मतलब चाय वाले के पास गाय वाले को लाना चाह रहे हैं? गाय वाला लट भी चलाएगा जैसे यूपी में चल रहा है ना, इंडिया में ऐसा लट चलेगा बस बुझो मत। गाय वाले में इतना दम कम है जो मोदी जी की जगह ले सके? जब आप गाय को माता बोल सकते हो तो उसमें दम क्यों नहीं हो सकता? गाय के दूध में दम है। गाय को जब आप गाय हमारी माता बोलते हो तो गाय वाले में दम नहीं हो सकता? अच्छा, क्या आपकी बात पे अकेले नहीं मानेंगे और भी लोग बोलेंगे तब मानेंगे? क्या लगता है चाय वाले के बाद अगर गाय वाला हो गया तो देश में कैसा काम होगा? समय के अनुसार, समय के अनुरूप सब चीजें बदलती हैं, ठीक है। अभी इनका अनुशासन चल रहा है, जब कोई और आएगा सत्ता में यथाकथित, ठीक है, हम ये नहीं कहते तथाकथित, नहीं वो कह के गए चाय वाले की जगह गाय वाला आ गए, मतलब यूपी वाले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, अपनी अपनी सोच है। लेकिन अगर वो भगवाधारी या हमारे चोलाधारी या हमारे योगी जी अगर राष्ट्र को संभाल सकते हैं तो संभाले, तो बहुत अच्छा संभालेंगे। क्यों संभालेंगे? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव टाइट रहेगा तो सरकार चलेगी, देश चलेगा। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ढीला है, आप चाहे अपना घर ले लो, अगर घर का मुखिया सही है तो घर सही चलेगा, अगर मुखिया छोड़ दिया तो घर नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश सही चल रहा है, उत्तर प्रदेश का मुखिया सही है इसलिए उत्तर प्रदेश सही चल रहा है। चाहे हाथ में हाथ बांध कर, चाहे वो पुलिस के पास काम नहीं है, पुलिस के पास काम नहीं इस समय, इसलिए हाथ में हाथ बांध के खड़ी है। अच्छा। और जहाँ काम आता है वहीं दौड़ के पकड़े। गैंगस्टरों को बचा क्यों नहीं भाई? बीच रोड पे गोली मार दी जा रही है किसको? अहमद को, फिर मुस्त जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, एक मिनट, जैसे को तैसा। अंसारी जी के साथ क्या हुआ? 35 साल बाद उस बेचारे को सजा, उस बेचारे को जो जिसको कत्ल किया था उसको क्या हुआ? उसको फायदा हुआ, ठीक है, उसका उसको सजा मिली, ठीक है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। क्या कह रहे थे आप? देखिए मेरी दो बातें हैं, 10 साल बीजेपी रहने वाली है अभी से 10 साल, और दूसरी बात ये जो बोल रहे हैं कि बेरोजगारी बेरोजगारी, अगर गलती से कांग्रेस आती भी है फिर भी ये बेरोजगार रहेंगे। इनके पास अपनी क्या कहते हैं आइडेंटिटी ही नहीं है कि रोजगार ले पाए, ये बेरोजगार ही रहेंगे। सवाल नॉलेज होनी चाहिए ना आदमी का, तब तो। अब बेरोजगारी बेरोजगारी आप चिल्लाइएगा और उसके बाद कहिएगा हमें दे दीजिए, आपके पास टैलेंट है नहीं तो आपको खैर आदमी थोड़ी मिलेगा। कुछ सीखिए, काम सीखिए तो आपको। जैसे चाय वाले अभी मोदी जी हैं, चाय वाले के बाद अगर गाय वाला आ गया तो क्या बदलाव हो सकता है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा स्थिति है। बीजेपी की ही है गाय वाले भी, और ज्यादा बीजेपी के ही है गाय वाले भी। अभी सिर्फ यूपी में सफाई हो रहा है, पूरे भारत में सफाई होगा। क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूंगा जैसे नंबर वन यूपी हो गई ना क्राइम से, अगर योग आएगा 100% यूपी आएगा इसके बाद, तो अगर यूपी के ये प्रधानमंत्री बनता है, सीएम प्राइम मिनिस्टर बनता है तो फिर पूरे भारत की सफाई, इससे भी टाइट, मोदी से भी टाइट। योगी जी ने तो कहा था कि मैं अपराधी को खत्म करूंगा, ठीक है, एक मिनट, योगी जी ने कहा था मैं अपराधी को खत्म करूंगा यूपी से, अच्छी बात है, योगी जी ने सही काम किया है। लेकिन 3 अपराधी तो और पैदा कर दिए योगी जी ने। योगी जी का काम सही है, गलत नहीं है, लेकिन 3 अपराधी तो और पैदा कर दिए। जैसे अतिकामत का एनकाउंटर हुआ, जैसे 3 लड़कों ने किया था, उसी टाइम पुलिस वालों को चाहिए था उसी टाइम एनकाउंटर कर देना चाहिए था, क्योंकि 3 अपराधी और पैदा ना होते। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था, ये भाई साहब कह रहे हैं, ठीक है, जिसकी ऊंचाई का अंत न हो, जिसकी ऊंचाई का अंत न हो उसे आसमान कहते हैं, जिसकी ऊंचाई का अंत न हो उसे आसमान कहते हैं, और जिसके प्यार का अंत न हो उसे माँ कहते हैं। इसलिए जिसके विकास का अंत न हो उसे मोदी कहते हैं, और जो माफिया का अंत करे उसे योगी कहते हैं, समझे, और जो घोटाले का अंत न हो, जिसके घोटाले का अंत न हो उसे सीएम केजरीवाल कहते हैं। अच्छा, घोटाले का अंत केजरीवाल कहते हैं। तो क्या लग रहा है योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं? अगर उनको प्रधानमंत्री का मौका मिलता है बनने का तो देश में मोदी जी से अच्छा सुधार देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखो दोनों सेम है, सेम चक्की के दोनों पार्ट बराबर के हैं, मतलब न योगी कम है न मोदी कम है, दोनों सेम सर्वांशम है, काका का त्रिभुज आवास था, दोनों की रेखाएं बराबर है, इसलिए ये तो सेम है। और 2039 तक तो कोई आना ही नहीं किसी को। अब आपके कहने से क्या होगा, जनता बोले 2039 तक क्या कोई नहीं आएगा क्या देश में? सर 2039 क्या, अभी देखो माननीय मोदी जी 2024 में तो माननीय मोदी जी आ रहे हैं दोबारा से, और 2039 वाली बात तो सर कहाँ, कौन जिंदा रहता, कौन नेता है, कौन क्या है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन भाई साहब सर 2050 की बात है, 2050 की बात है, मैं तो ये कहूँगा कि
माननीय जब तक हमारे नरेंद्र मोदी जी जिंदा हैं, जब तक उनकी उम्र लंबी रहे, तो मैं कहूँगा कि माननीय मोदी जी ही रहें, उसके बाद प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री रहे, और ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा। देखो हाँ, देखो बहुत अच्छी, मैं आपको चैनल के माध्यम से बताऊँगा, आम जनता है, कोई विपक्ष है, विपक्ष वाले तो कहते हैं, लेकिन देश को, राष्ट्र को जो चलाने वाला है माननीय मोदी जी ने, जो काम की देश के लिए किया है वो किसी ने नहीं किया है, ठीक है सर। और राहुल गांधी तो नफरत की दुकान बता रहे हैं, तो समुदाय विशेष को दबाना बता रहे हैं। आप सुनिए सर, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, राहुल गांधी जी को आप प्रधानमंत्री देखना चाहते हो या आप नहीं, जैसे जनता ही सर, हर चीज़ को सोच समझ के, देश को, बहुत से लोग आ गए कह रहे हैं हम राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री, देश चलाना बच्चों के हाथ में, बच्चों का काम नहीं है।